मामला बाराबंकी के विकास खंड हरक के ग्राम पंचायत मोहना का है। यहां पर ग्रामीणों के द्वारा किया गया वोट का बहिष्कार, दिया गया धरना, दारू के ठेके के ठेकेदार की मनमानी से है परेशान, मंदिरों और नाली में फेंके जा रहे हैं प्लास्टिक के ग्लास व बोतलें। सतरी थाना पुलिस को दी गई सूचना, लेकिन नहीं की गई कोई कार्रवाई। ठेकेदार की दबंगई से परेशान है किसान। आइए देखते हैं दिनेश कुमार वर्मा की एक रिपोर्ट। बाराबंकी जनपद की विकास खंड हरक के अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहना में इस वक्त मैं मौजूद हूं। आप देख रहे हैं JNI न्यूज, कैमरामैन विकास यादव के साथ दिनेश कुमार वर्मा की एक रिपोर्ट। जहां एक तरफ शासन प्रशासन और सरकार प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाए हुए है, वहीं पर ग्रामीण अंचलों में, यहां तक कि शहरी अंचलों में भी पूर्णतया प्लास्टिक का खुलेआम प्रयोग हो रहा है। उसके विरोध में ग्रामीण धरना प्रदर्शन करने के भी बात होते हैं। आज दो दिन से लगातार मोहना पंचायत के अंदर ब्राह्मण देवता मंदिर पर धरना प्रदर्शन समाज सेवी लोग कर रहे हैं कि जो पंचायत के अंदर कटरा गांव के पास दारू का ठेका है, वहां पर जो है डिस्पोजल ग्लास की बिक्री होती है और इधर उधर फेंके जाते हैं, जिससे कि तमाम नुकसान होता है और आवारा पशु गाय खा करके मौत के मुंह में समा जाती हैं। और जो है स्वच्छता के अभियान पर भी प्रश्न लगता है, जबकि सरकार पूर्णतया प्रतिबंधित है, उसके बावजूद भी खुलेआम ये सब हो रहा है। शासन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। जो ग्रामीण बागता मंदिर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आइए बात करते हैं उन ग्रामीणों से कि वो क्यों बैठे हुए हैं, क्या उनका विरोध है। लगभग विगत एक वर्षों से हम लोग मौखिक वार्ता ठेकेदार आनंद कुमार से कर रहे हैं कि आप अपनी डस्टबिन, एक हैंडपाइप लगवा दीजिए। मोदी जी के जो मिशन का, स्वच्छता अभियान का आप जो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, वह इस ग्राम पंचायत में इन ग्रामीणों के साथ जो अन्याय आप कर रहे हैं कि खेतों में जो पानी जाता है, नालियाँ चोक हो जाती हैं, हर 15 दिन में सफाई के लिए किसानों को बाध्य होना पड़ता है बराबर, जब तब आए दिन किसान मौखिक तौर से ठेकेदार से रिक्वेस्ट निवेदन करते चले आ रहे हैं लगभग एक साल से, लेकिन सतरिक पुलिस की मिलीभगत से बराबर दबाव बनाया जाता है कि आपका बगल में सरकारी बम्बा लगा है, ग्रामीणों के लिए आप क्यों इतना परेशान हैं, प्लास्टिक बिचवाई जा रही है, सतरिक पुलिस के द्वारा बिचवाई जा रही है, मिलीभगत से पैसा लेकर बिचवाई जा रही है और मोदी जी के, योगी जी के मिशन को फेल करने का पूरा प्रयास सरकार के कर्मचारी बना रहे हैं। मोदी जी ने जो किया है वो देश को एक अपनी किसान को आवाज़ उठाने का एक हक दिया है। कल दिनांक 7/4/2019 से हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए कि हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, प्रशासन से झगड़ा नहीं कर पाएंगे, पुलिस से झगड़ा नहीं कर पाएंगे। पुलिस कल से आज तक बराबर दबाव बना रही कि आप ठेकेदार के साथ मिलकर समझौता करिए। 100 नंबर की पुलिस सुबह 6 बजे घटना स्थल से गिलास बेचते हुए दारू की, और 6 बजे से दारू सुबह 4 बजे रात में भी दारू मिल जाती है। कटरा की पुलिया पर जो मोहना के नाम से ठेका है इस अतिरिक्त क्षेत्र में दारू का ठेकेदार इतना दबंग है कि उस पुलिस ने जाके कोतवाली सतरिक में डाला उस सेल्समैन को, और उसके बाद लगभग 12 बजे के बाद आती है पुलिस, दबाव बनाती है कि आपको लिख कर देना पड़ेगा, हम गिलास नहीं बेचेंगे। उसने लिख कर दिया भी है, लेकिन इस समय बराबर निरंतर लगभग 2 बजे से बराबर प्लास्टिक का गिलास बिक रहा है, उसी हैंडपाइप पर उसी मंदिर के किनारे गिलास फिर फेंके जा रहे हैं। ये हम लोगों की मजबूरी है, हम लोग अपनी बात मोदी जी तक पहुंचाना चाहते हैं, योगी जी तक पहुंचाना चाहते हैं कि आपके कार्यक्रम को फेल करने का जो सरकारी कर्मचारियों ने बीड़ा उठाया है, आप उसका संज्ञान लेते हुए इन ग्रामीणों का अपना जो समाधान है
कि इनके खेतों में गिलास न जाए, इनके जो बच्चे भूखों मर रहे हैं, नहर का पानी है, नहर के पानी को भी बाधित कर रहे हैं ये लोग। दारू ठेके के बगल में नहर का पानी निकलता है, उस नाली पर लगभग 4-5 दिन से किसान बराबर नाली को साफ किए हैं। मैं केवल किशोर पटेल, इस ग्राम पंचायत का जिम्मेदार किसान, प्रगतिशील किसान होने के नाते मैं भी कल श्रमदान किया हूँ। सारे किसानों ने श्रमदान करके नाली को फिर साफ किया है, पानी लगवाया है, सारे किसान अब अपना सींच रहे हैं खेत। लेकिन दारू का ठेकेदार इतना दबंग है जिससे सतरी की पुलिस भी डरती है। सतरी की पुलिस बराबर दबाव मेरे पर बना रही है, मेरे किसानों पर दबाव बना रही है कि आप अपना यह जो मिशन है इसको वापस लीजिए और दारू के ठेकेदार से मिलकर आप बात करिए, यशो सतरिक से बात करिए, कोतवाल सतरिक से बात करिए। वह बराबर दबाव बना रहा है, दो दो एसआई यहाँ 4-4 बार चक्कर लगा रहे हैं किसानों को दबाने की, किसानों की आवाज़ को दबाने का काम करने का। यह सतरिक की पुलिस बराबर दबाव बना रही है कि आप लोग गलत निर्णय ले रहे हैं, वोट का बहिष्कार न करिए, वोट डालिए। हम लोग वोट डालने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन प्लास्टिक के खिलाफ अगर कोई कदम नहीं उठाया गया तो यह ग्रामीण अभी तक तो अनशन भूख की नहीं कर रहे हैं, भूख हड़ताल नहीं कर रहे हैं, लेकिन विगत 2 दिन के बाद ये भूख हड़ताल भी करने को मजबूर होंगे। मैं दिनेश कुमार वर्मा, कैमरामैन विकास यादव के साथ JNI न्यूज़ से।